हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट टूल की जिसकी हेल्प से आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि रिक्रूटर्स आपको इजीली कांटेक्ट कर सके एंड आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कम्प्लीटली एप्ट हो जिस करियर अपॉर्चुनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने लिंक्डइन पेज ऑन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में आपको ये एक एक्सटेंशन क्रोम का है वो दिख रहा है, विच इज करियर फ्लो। इसको कैसे ऐड करना है मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। आपको गूगल में जाना है एंड जस्ट ये टाइप करना है करियर फ्लो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। ये टाइप करते ही आपको इस लिंक पे जाना है। देन ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया, यहाँ एक ऐड बटन होगा, आपको ये क्लिक कर देना है। ऑलराइट, सो आपके गूगल क्रोम में ही एक एक्सटेंशन ऐड कर जाएगा एंड देन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में आप ऐसे ये आइकन को आप चेक देख सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम इसकी हेल्प से लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये मैंने अपना होम पेज ओपन कर लिया है एंड इसको क्लिक करें। ये आपको पूरी तरह से दिखा देगा कि आपका लिंक्डइन पेज का स्कोर क्या है एग्जैक्टली। राइट, एंड आप देख सकते हो 81% है। ये मैंने इसकी हेल्प से ही काफी कुछ चीजें चेंजेस की हैं। सो नाउ वन बाय वन हम पूरी लिस्ट को चेक करते हैं कि क्या क्या ये सजेस्ट करता है एंड क्या क्या आपको चेंजेस करने चाहिए। सो फर्स्ट वी विल गो टू दिस प्रोफाइल फोटो। राइट, प्रोफाइल फोटो में क्लियरली है कि आपको एक क्लियर फोटो डालनी है अपनी विद अ क्लियर बैकग्राउंड, जिससे आपकी वीडियो ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। ओके, एक हाई क्वालिटी इमेज आपको डालनी। सो दिस इज वन ऑफ दी टॉप मोस्ट थिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैनर में। नाउ बैनर, ये जो आप बैक इमेज देख रहे हो आपके प्रोफाइल फोटो के पीछे, इस इमेज को आपको चेंजेस करना है अगर आपने अभी तक इसको यूटिलाइज नहीं किया है तो। एंड यहाँ आप सैंपल भी देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। राइट, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट। ये किसी की प्रोफाइल इन्होंने दिखाई है एज एन एग्जाम्पल। सो आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली मेंशन है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किस प्रोफाइल में है वो मेंशन किया हुआ है बहुत क्लियरली। तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। सिमिलरली आप मेरे इसमें भी देख सकते हो, मैंने भी लिखा हुआ है कि आई एम एन एचआर प्रोफेशनल। जैसे ही कोई प्रोफाइल दूर से विजिट करेगा तो ही उसको क्लियर हो जाएगा कि किन एरियाज ऑफ एचआर में इन केस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो किन एरियाज में मैं देख रही हूँ। सिमिलरली आपको भी ये चेंज जरूर करना है अपनी प्रोफाइल में। नाउ अब नेक्स्ट बैनर, जब आपने चेंजेस कर लिए हो सो हम हेडलाइन पे आ जाते हैं। एंड बाय हेडलाइन, हेडलाइन से मतलब है इस चीज का, आपके जस्ट नेम के नीचे जो आपने एक वन लाइनर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। सो एज सजेस्टेड आपको सबसे पहले तो अपना या तो अपना डेजिग्नेशन लिखना है, और अगर आपकी कंपनी का कुछ डिफरेंट डेजिग्नेशन है बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं आपको वो चीज लिखनी है। एंड कोई और स्किल्स अपनी हाईलाइट कर सकते हैं। एंड प्लस ऑब्वियसली अगर आपका कॉलेज अच्छा था तो आप कॉलेज का नेम जरूर मेंशन करिए, या आपकी पास्ट कंपनीज या करंट कंपनी अगर बहुत अच्छी है तो उसका नेम जरूर रखिए ब्रांड की वजह से। सो हम देख लेते हैं हेडलाइन में ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं। सी दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि ये जो पाइप कैरेक्टर है इसके थ्रू आपको सेपरेट करना है डिफरेंट टाइटल्स। सो मैंने लिखा है एचआर प्रोफेशनल, इसको सेपरेट किया, देन टैलेंट मैनेजमेंट, एचआर बिजनेस पार्टनर एंड एचआर स्ट्रेटजी। अपनी प्रीवियस कंपनीज का नेम लिखा है प्लस अपने कॉलेज का नेम लिखा हुआ है। सो आप इसी वे में डाल सकते हैं एंड इसमें यहाँ सजेशंस भी हैं। तो जब तक कि आपकी प्रोफाइल, जब तक कि आपका ये हेडर जो है क्लियर नहीं होगा या राइट नहीं होगा एज पर देयर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर ये ग्रीन टिक नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट है ओपन टू वर्क। इन केस यू आर ओपन टू वर्क, आप हो सकता है सबको नहीं दिखाना चाहते, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि शेयर ओनली विथ रिक्रूटर्स। सो अगर आप ओपन टू वर्क हैं बट आप पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, ओनली टू दोज पीपल, जैसे रिक्रूटर्स के पास जो रिक्रूटर राइट्स होते हैं लिंक्डइन के, सिर्फ उनको आप शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका बैज नहीं दिखाई देगा, आप सिर्फ शेयर विथ रिक्रूटर्स ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया नेक्स्ट ओपन टू वर्क। लोकेशन, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पेसिफिकली किसी स्पेस प्लेस पे देख रहे हैं तो वो मेंशन करिए, या ये हो सकता है कि लेट्स से
फिलहाल आप मुंबई में हैं, बट आप टारगेट बैंगलोर की जॉब्स को कर रहे हैं, एंड आपको पता है कि जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे. बट इंटरव्यू में जनरली ये होता है, कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है. एंड रिक्रूटर्स अगर आपकी प्रोफाइल में आएंगे, जैसे ही वो देखेंगे कि मुंबई में है, सो मोस्ट लाइकली हो सकता है वो आपको ड्रॉप ही कर दें. तो आप बेटर है कि आप ये ऑप्शन कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली वहां बैंगलोर ही लिख लें अपने प्रोफाइल में, सो दैट एटलीस्ट आपकी शॉर्टलिस्ट तो होगी. एंड वट एवर यू हैव टू से कि आप कब शिफ्ट हो रहे हैं, जो भी है वो आप इंटरव्यू के दौरान आप बता सकते हैं, अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन आता है तो. सो बेटर है अगर आप सिर्फ बैंगलोर टारगेट कर रहे हैं तो वही लोकेशन मैंशन करिए, नॉट मैंशनिंग योर करेंट वन. ठीक है, नाउ कनेक्शंस, विल सी कनेक्शंस में क्या टिप है. सो अगर आपके 500 एंड मोर प्रोफेशनल नेटवर्क्स है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल ज्यादा विजिबल होती है जितने ज्यादा आपके नेटवर्क्स बढ़ते हैं. तो हो सके तो जितने हो सके आप अपनी सेम फील्ड में लोगों को ऐड करें, एंड यू नो जितने आपको रिक्वेस्ट आते हैं आप उनको भी ऐड करो, सो सो दैट आपका नेटवर्क ग्रो होता है ना. लोकेशन हो गया, कनेक्शन हो गया. अब ये फीचर्स भी आप देख सकते हैं. एक लिंक्डइन यूआरएल के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. लिंक्डइन यूआरएल आप यहां से चेंज कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रोफाइल ढूंढने में इजी हो. यहां पर आपको जाके एडिट करना है एंड सिंपल अपना नेम मेंशन कर देंगे तो बहुत इजी हो जाता है. अदरवाइज लिंक्डइन की एंड देन इस लिंक को आप अपने सीवी में या कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो ये ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन होता है. प्लस सॉरी, मैंने आई थिंक अबाउट सेक्शन मिस कर दिया था, सो हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं. आई शो यू माइन ऑल्सो, क्योंकि मेरे इसमें ग्रीन टिक आ रहा है. एक तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको इतने कैरेक्टर्स का लिखना है, एंड प्लस वॉट एवर आपका अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स है, वॉट एवर एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस में आपने अब तक क्या अचीव किया है, एंड वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट, वॉट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू आर टारगेटिंग, तो आप वो भी मैंशन कर सकते हैं. सो इफ यूल सी, मैंने क्लियरली कीवर्ड्स मेंशन किए हैं कि किन प्रोफाइल्स में अगर जनरली रिक्रूटर्स कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करेंगे सो मेरी प्रोफाइल वहां दिख जाए, प्लस एक लिटिल बैकग्राउंड मैंने अपने बारे में दिया है, एंड किन इसमें मैं अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब ढूंढ रही हूँ, अगर अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ तो किन प्रोफाइल्स में, एंड प्लस मैंने अपना ईमेल आईडी भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है. आपको अपना ईमेल, इन केस यू वांट अपना नंबर भी शेयर करना चाहते हैं, आप नंबर भी शेयर करो. अदरवाइज रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल में हो सकता है विजिट करें, बट जनरली मैसेज भेजने का ऑप्शन बहुत सारे रिक्रूटर्स को, या फिर जनरली कोई और होगा, नॉट नेसेसरली उसके पास रिक्रूटर राइट्स होंगे लिंक्डइन में, बट देन अगर वो आपको अप्रोच भी करेगा तो कैसे करेगा, हो सकता है क्योंकि मैसेजिंग जो होती है लिंक्डइन में वो ओपन नहीं होते, उसके कुछ क्रेडिट्स होते हैं, सर्टेन नंबर्स ही अवेलेबल होते हैं, तो हर किसी को वो मैसेज भी नहीं कर सकते हैं. तो आपको क्लियरली अपना ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करना है. फोन नंबर अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो इट्स ओके, बट ईमेल आईडी विल वर्क, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये तो हो गया अबाउट सेक्शन, एंड यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं अभी मेरा एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में रेड है, हम उसकी भी बात करेंगे. नाउ यहाँ पर ये तो ग्रीन, अगर मैं ग्रीन में जाऊंगी तो वो मुझे दिखा देगा कि मैंने कौन कौन से सेक्शन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लिए हैं इनके अकॉर्डिंग, एंड दिस वन नाइस टू हैव. सो लाइक वॉलंटियरिंग, अगर आपने कुछ वॉलंटियर वर्क किया है तो आप ऐड कर लीजिए, इट्स गुड टू हैव, इट्स नॉट अ कंपल्सरी टू हैव अ ग्रेट नंबर ऑन और अ स्कोर ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिंक्डइन, बट अगर आप डाल देते हैं तो वेल एंड गुड. मैंने अभी नहीं डाला है. एंड दिस वन अब मस्ट हैव है, यहाँ पर रेड सिग्नल है, मैंने नहीं किया है, सो आई शो यू क्या इम्पोर्टेंट मिसिंग है इसमें. सो एक्सपीरियंस में दे वांट कि आपको सब में एक तो स्किल्स आपको जरूर लिखनी है, एटलीस्ट 5 स्किल्स आप हर जिस भी आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उस जॉब प्रोफाइल में जाके आपको अपने 5 स्किल्स एटलीस्ट अपडेट करने हैं, राइट, दैट इज वन थिंग. एंड क्लियरली आपको अपना डेजिग्नेशन ड्यूरेशन मेंशन करना है, एंड प्लस ओके, सो एग्जैक्टली दे वांट कि आपको क्लियरली अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी लिखना है. सो सेम लाइक सीवी में आप हमेशा एक हेडर डालते हैं कि किस कंपनी ने आपने वर्क किया है, एंड उसमें 4-5 जो आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर हैंडल की थी, एंड प्लस क्या इम्पैक्ट था आपके रोल का,
सो इफ यू वांट, आप बहुत ज्यादा अर्जेंटली जॉब सर्च कर रहे हैं, सो आप वो लाइंस को उठा के एंड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्लियरली एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? सो दैट ये भी आपका अप टू डेट रहेगा एक्सपीरियंस सेक्शन. द अदर वन इज एजुकेशन. नाउ एजुकेशन में भी दे आर आस्किंग फॉर अ डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव नॉट डन. एजुकेशन में वन सेकेंड, आई शो यू. गया तो एजुकेशन में मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, ऑल्दो मैंने स्किल्स फिर ऐड कर दी हैं. आप भी चाहो स्किल्स ऐड कर सकते हैं. डिटेल होना चाहिए किस ईयर से किस ईयर तक किया है. एंड प्लस जनरली आप स्कूल कॉलेज में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज आपने किया होगा, किसी किसी भी टीम के आप मेंबर थे. सो दोज एक्टिविटीज दे वांट कि आप वहां जरूर लिस्ट कर लें. एंड अगर आप वो कर लेते हैं देन आपका प्रोफाइल अपडेटेड हो जाता है. कोई आपको सर्टिफिकेशन है, अवार्ड्स हैं, वो सब भी जरूर होने चाहिए. एंड ये आपका स्कोर अगर 70+ है, जितना ज्यादा है ऑब्वियसली उतना अच्छा है, आपको वो चीजें जरूर करनी है. सो ये था एक सिंपल सा सीक्रेट हैक जिसकी वजह से आपको इजीली आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से रिक्रूटर्स और जो भी आपकी प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, आपकी प्रोफाइल उनको क्लियरली विजिबल हो जाए. तो आज ही जाके ये एक्सटेंशन लें. इसमें कुछ फीचर्स प्रीमियम है ऑब्वियसली, बट हाँ आप मैक्सिमम देखोगे तो 7-8 जो इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, आप वो चेंजेस करके, इसमें ये चीज है कि आपको दिखा देगा कि आपका ये अप टू डेट हो गया है या नहीं हो गया है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग. आप अभी जाएं इसे आराम से, फ्री है ये, क्रोम का एक्सटेंशन है, आप इसको अभी ऐड करें एंड अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट. ऑलराइट, बाय बाय.